हे राम, शिव 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 शिव, हे शिव 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 राम, हरे राम 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 राम। अरे अंधेरे में बैठी, बत्ती भी नहीं जलाई। जी वो ख्याल ही नहीं रहा। बेटा क्या बात है, बुझी बुझी लग रही है। भगवान सब ठीक करेंगे। बुआ जी आपका पूजा पाठ, आपकी मन्नतें अब इस घर को नहीं बचा सकती। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं कल ही पंडित को बुलवा कर हवन करवाती हूँ, घर की शुद्धि भी हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है बुआ जी। मेरे यहाँ से चले जाने के बाद ही शायद कुछ ठीक हो पाएगा इस घर का। कैसी बातें कर रही है बेटी, इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और भी मियाँ बीवी के झगड़े तो होते ही रहते हैं। मैंने मन्नत मानी है, उसका फल जरूर मिलेगा। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। और क्यों रहूं बुआ जी? पहले मुझे लगता था कि रवि को मेरे काम करने से प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। लेकिन आज मुझे पता चला है कि उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। वो मुझ पर शक करते हैं। मेरी खबर रखने के लिए उन्होंने एक डिटेक्टिव हायर किया है। किस हक से रहूं और क्यों रहूं यहां? इतने साल इकट्ठे रहने के बाद मैं उनसे भरोसे की उम्मीद तो रख सकती थी ना, लेकिन वो भी नहीं दिया आपके रवि ने मुझे। रवि जी, रसोई में क्या कर रहा है? खाना गरम कर रहा हूँ बुआ जी, और क्या कर रहा हूँ? ला मैं गरम कर दूँ। ये सोनिया का है? सोनिया, किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं है बुआ जी, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। मैं देख रही हूँ आजकल तू बहुत बदलता जा रहा है। मैं नहीं बदला हूँ बुआ जी, शायद हालात बदल गए हैं। हालात नहीं बदलते, तू उन्हें बदल रहा है। कितना जुल्म करता है उस बेचारी पे। बेचारी, आज तक इस घर में किसी मर्द को मैंने औरत के साथ ऐसा सुलूक करते नहीं देखा था। या तो उसे बाहर जाने नहीं देना चाहिए था, और अगर जाने भी दिया तो फिर उस पर शक नहीं करना चाहिए था। अरे सीता के लिए तो इतना ही काफी था कि उसके पति ने उस पर शक किया। अग्नि परीक्षा के बाद भी वो नहीं रुकी घर में। तुम्हारा शक करना ही उसके दिल को तोड़ने के लिए काफी है। जाकर माफी मांग उससे, वरना ये पूरा घर बिखर जाएगा, पूरा का पूरा घर। जा बेटा, जाके मना ले उसे, अब इस बात को खत्म भी कर। मना लूं मैं उसे? मैं? मेरा दिमाग खराब है? क्या किया है मैंने? कौन से कोड़े बरसाए मैंने उस पर? रवि शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बातें करते हुए। मैं कह देती हूँ, बड़ा पछताएगा तू, सारे का सारा घर बिखर जाएगा। बेटा इंसान तो क्या, भगवान भी अछूते नहीं रहे शक से। जा बेटा, माफी मांग ले उससे, गलती सबसे होती है। बुआ जी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। मुझे पेडेस्टल पर बिठाने की कोशिश क्यों करते रहते हैं आप? जिसे मेरे साथ रहना है वो रहे, जिसे नहीं रहना है वो जा सकता है। I'm just sick of this whole thing। ठीक है, बस यही सुनने की कसर बाकी रह गई थी। अच्छा किया बेटा, मेरा भी दिल अब यहाँ से भर गया है। मैं वापस चली जाऊंगी बनारस। मैं समझती हूँ तेरी नजरों में मेरी क्या जगह है। मैं समझ गई बेटा, अच्छा किया। मैं जाती हूँ। यही दिन देखने आई थी मैं बनारस से। पागल हूं ना, अपनी पूजा पाठ छोड़कर, प्रभु दीनानाथ को छोड़कर दुनियादारी देखने आई थी। मत मारी गई थी मेरी बेटी सोनिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन सच मान, मेरे दिल में तेरे लिए कोई मैल नहीं। वो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा मत कर, माफ कर दे बेटी। बुआ जी आप कहाँ जा रही हैं आप? तुझे और भी कुछ कहना है तो कह ले, बोल ले। बुआ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे से गलती हो गई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो सोनिया से मांग, तूने इसकी बेइज्जती की है। अरे मैं तो यहाँ वो सब देखने आई थी जो भगवान ने मुझसे छीन लिया। मैं इस घर को टूटते नहीं देख सकती, भगवान जाने इस घर का क्या होगा। बुआ जी
ना, ना, ना। उतारो मत इन्हें, तुम इन्हें उतार दोगी तो ये बेमाने हो जाएंगे। कितने जच रहे हैं तुम्हारे कानों पर ये हैं, जैसे तुमने तुम्हारे चेहरे ने इन्हें माने दिए हों। वेरी गुड। ये क्या है? ये एक मिनट, इसे संभाल के अंदर रखो। वेरी केयरफुली है, जाओ। ये वो है सोनिया, जिसे तुम हसरत भरी निगाहों से उस दिन शोरूम में देख रही थी, याद है? रवि, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिजूल खर्ची करनी चाहिए। बेड तो है हमारे पास। फिजूल खर्ची? इसे तुम फिजूल खर्ची कहती हो? सोनिया, मेरा बस चले तो तुम्हारे हर ख्वाब को हकीकत में बदल दूं। तुमने इस घर को मायने दिए हैं, मेरी जिंदगी को मायने दिए हैं, मुझे मायने दिए हैं। रवि, सोनिया, इतना अनकंफर्टेबल फील करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम इस घर में हो, तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। मेरा कमरा? हाँ, ये आपका कमरा है ना? कमरे में मैंने आपके साथ इतने साल बिताए, इसी कमरे में हमने कितना कुछ शेयर किया है, और आज ये हमारा नहीं सिर्फ आपका कमरा है। रवि, मैंने आपके साथ बिताई जिंदगी को इतना अपनाया कि खुद को खो दिया, फिर भी सब कुछ सिर्फ आपका है। ये कमरा, ये घर, इस घर के लोग सब सिर्फ आपका है। सोनिया, ये घर छोड़कर तो तुम जा रही हो ना, ये तो तुम्हारा फैसला है ना? मेरा फैसला नहीं है, मजबूरी है मेरी। ओहो, तुमसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं मैं क्यों कोशिश करता रहता हूं। रवि, क्या कर रहे हैं? तुमसे मतलब? Oh, that
इसकी। सोनिया, सोनिया जरा हल्का सेल से देना। सोनिया, नशा उतर गया है। हाय कुकी। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। और निशा की तबीयत कैसी है? अब थोड़ी अच्छी है और डॉक्टर कह रहा है कि कुछ दिनों में फिर चलने लगेगी। गुड। चलेगी? नहीं तो बैठ। मुझे तो समझ नहीं आता मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं। कुकी, मैंने कहा ना इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये तो तेरा बड़प्पन है। प्लीज। वो रक्षा आने वाली थी, कहाँ है वो? हाँ आई थी, कुछ देर बैठी और फिर चली गई। अरे थोड़ी देर नहीं रुक सकती थी? तुमने बताया नहीं मैं आ रही हूँ। कितने दिनों बाद इंडिया वापस आई है, आधा घंटा नहीं रुक सकती थी? अरे घर में कदम रखने से पहले ही उसके पति का 2 बार फोन आ गया था और यहाँ आकर बैठी ही थी कि फिर फोन आ धमका। तुझे तो पता ही है ना रक्षा के बारे में, उसके पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही रचा बसा है उसका सारा संसार। हर कोई रक्षा की तरह लकी नहीं होता, लेकिन बच्चे, बच्चों ने तो कुछ नहीं किया। कहाँ खो गए तुम? नहीं कुकी, मैं चलती हूँ। अरे अभी अभी तो आई है। नहीं, वो एक जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी आऊंगी। ओके बाय। बाय बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ। क्या रीगल पर लगी है? चलते हैं ना। कल आयशा। हाँ मामा। होल्ड ऑन। हाँ मामा, तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? क्या मामा, आप आजकल सब कुछ भूल जाती हैं। मैं आपको बताकर तो गई थी ना। किसे बात कर रही हो? वो मेरी फ्रेंड है पूजा। पूजा? मेरी कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ती है। अभी कहाँ? अभी होगा अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा होगा। क्यों, क्या बात है? नहीं ऐसे। अच्छा। हेलो, सॉरी यार मामा आ गई थी। हेलो, हाय, वेयर आर यू? अरे सारा दिन ढूंढ रहा था तुम्हें, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, आई नो यू आर बिजी बिजी, आई कॉल यू बैक। सॉरी। जी जी मामा। कुछ नहीं कुछ नहीं। किसका फोन था? मामा जस्ट अ फ्रेंड। ये तुम्हारी वही फ्रेंड है जिसके साथ तुम रात भर बात करते रहते हो? हाँ हाँ मामा, वो मैथ्स में बहुत वीक है इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा था। फोन पर? हाँ, वैसी बात नहीं जैसा आप सोच रही हो। आरती इज नॉट अ डेटिंग काइंड, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन मामा। अच्छी लगती है तुम्हें? हाँ मतलब शी इज अ नाइस गर्ल, सारा दिन हंसती रहती है मामा। शी एज अ पर्सन आल्सो वेरी नाइस, शी इज सो स्वीट। स्वीट? या मामा आप मिलोगी, आप ही बहुत खुश होगी उससे मिलके। कब मिला रहे हो मुझे उससे? मामा घोड़ों को लगाम दो, अब थोड़ी देर में कहोगी शादी के मंडप में बैठ जा। वो
वो तो बैठेगा ही, लेकिन शायद मैं नहीं रहूंगी। मम्मा इमोशन क्यों हो रही है? इमोशन तो लड़के की विदाई पर होते हैं, और तो डोली लेके घर आने वाला हूँ। मम्मा बात क्या है? डैड ने कुछ कहा? नहीं, अभी मैं जा रही हूँ। कहाँ? कितने दिन के लिए मम्मा? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप सबसे दूर जा रही हूँ। क्यों मम्मा? क्योंकि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। आप मेरी मम्मा हो मम्मा, आयशा की मॉम हो, डैड की वाइफ हो, और क्या? नहीं, अभी मैं खुद क्या हूँ, इसलिए मुझे आप सबसे दूर जाना पड़ेगा, आप सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मम्मा। अभी प्लीज प्लीज, इसी बात से डर रही थी, इसी बात से डर रही थी मैं कि मेरे अभी का कौन ख्याल रखेगा, उसे कैसे बताऊंगी ये सब, कौन उससे बातें करेगा उसके स्टडीज के बारे में, उसके गर्लफ्रेंड्स के बारे में। इसके लिए कहता हूँ मत जाओ। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। तुम्हारे प्यार और मेरे मंजिल के बीच मेरे कदम डगमगा रहे हैं। आई नीड योर हेल्प। आई एम विद यू मम्मा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगा अपने आप को। प्रॉमिस यू मम्मा। लव यू बेटी। हेलो। हाँ एक मिनट, एक मिनट। ख्याति का फोन है। ख्याति आपकी भांजी। थैंक यू। हेलो ख्याति। हाँ 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 हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला था, बल्कि मैं तो खुद तुम्हें फोन करने वाला था विश करने के लिए। हाँ जीते रहो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। ओके हाँ, लेकर आऊंगा, सोनिया को साथ लेकर आऊंगा। या सी यू, बाय, थैंक यू। ख्याति की वेडिंग एनिवर्सरी है, शाम को हम दोनों को खाने पर बुलाया है। आप जाइएगा। और अगर ख्याति ने पूछ लिया कि तुम कहाँ हो तो क्या जवाब दोगे? हाँ कि तुम्हारी और मेरी अब बनती नहीं? यही तो सच बात है। देखो सोनिया, जब तक तुम इस घर में हो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करो जैसे कि इस घर की बहू को बिहेव करना चाहिए। जब तुम घर छोड़ के चली जाओगी ना तो सबको मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अब शाम को जब मैं घर आऊं तो प्लीज तैयार रहना।